अरे सिस्टर, मेरे पापा को बचा लीजिए। मेरे पापा के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई भी नहीं है। माँ भी पहले ऐसी बीमार होके मर गई, अब पापा भी ऐसे बीमार है, मैं क्या करूँगा सिस्टर? अरे सर जी, आपके पापा का ऑपरेशन हो जाएगा, पर 1,00,000 रुपए जमा कराने होंगे, तभी ऑपरेशन होगा। क्या 1,00,000? चलो ठीक है, मैं एडजस्ट करूंगा, आप ऑपरेशन तो करो। पापा आप जल्दी ठीक हो जाओगे, फिर हम दोनों अपने घर चलेंगे। मैं जा रहा हूँ पैसों की व्यवस्था करने, ताकि आपका ऑपरेशन करवा सकूं। अरे बेटा क्या कर रहा है, अब मेरा बचना मुझे लगता है मुश्किल है। अरे नहीं पापा, आप टेंशन ना लो, आप तैयार हो जाओगे, मैं जा रहा हूँ पैसे लेने। अरे भैया आप मेरी हेल्प कर दो प्लीज, मेरे पास पैसे नहीं है और मेरे पापा बहुत बीमार है, वो मर जाएंगे, फिर मेरा इस दुनिया में कोई नहीं बचेगा। अरे साले भिखारी कहीं के, चल निकल यहाँ से, कोई पैसा ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम लोग होते ऐसा हो, कुछ बहाना बनाते हो पैसों के लिए और पैसा लेते हो और फिर थोड़ी देर बाद कहाँ मिलोगे तुम, ठेके के ऊपर। निकल यहाँ से, कोई पैसे नहीं है हमारे पास, चल। अरे भैया मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पापा की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास उनके ऑपरेशन के लिए पैसे नहीं है, प्लीज भैया दे दो, आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पे, दे दो भैया प्लीज। अरे भिखारी कितनी बार बोला तेरे को, निकल। अरे नीरज चुप हो जा, ले भाई पैसे, और हाँ तेरे पापा के ऑपरेशन करवा लियो, ठीक है? धन्यवाद भैया, मेरे पास काफी पैसे हो गए, बस 10,000 रुपए चाहिए, वो भी कहीं से जुगाड़ बना के मेरे पापा का ऑपरेशन करवाऊंगा। अरे चुप बोल, तुझे पता है यार हमें काफी दिन हो गया, कोई साला माल लेके भी नहीं निकलता अपने घर से बाहर, पता नहीं सबकी गांड फट रही है क्या चोरों से, पता नहीं यार हमारा गुजारा कहाँ से चलेगा भाई। अरे भाई तू टेंशन मत ले, हम कैसे ना कैसे किसी को टपका के साले का माल निकाल ही लेंगे, क्योंकि यार मुझे अभी अपनी गर्लफ्रेंड को पैसे देने हैं और कोई माल लेके निकल भी नहीं रहा इधर से। अरे भाई तेरी बात तो सही बोली तूने, काफी दिन से किसी को लूटा नहीं है ना पुण्य, इसीलिए खर्चे ज्यादा और पैसों की कमी हो रही है, अब बस कोई दिख जाए ना मुर्गी तो साल को वही काट डालेंगे। अरे ये बात तो तूने सही बोली, कोई तो मिलेगा साला, आज घर से सोच के ही निकला था मैं, जब मिला इसे लूट लेंगे। अरे भाई वो देख मुर्गी जा तो रही है, चल उसको पीछा करते। चलो मैं हॉस्पिटल चलता हूँ अब। अरे भाई ये तो भिखारी लग रहा है यार, इसके पास कहाँ पैसे होंगे, चल पहले एक बार इसे टिटोल लेता है, इसके बैग में क्या पता लाखों पैसे होते हैं साले भिखारियों के पास, भीख मांग के इकट्ठा कर लेता है, जल्दी चला यार। अरे भाई कैसा दिन आ गया यार, आज भिखारी को भी लूटना पड़ रहा है हमें, चल देखते है या तो ये भिखारी हमारी किस्मत चमका देगा, चल यार जल्दी चला ना यार गाड़ी को, क्या कर रहा है रे। अरे रोक ओ, अरे ये गाड़ी वाले कौन है और इतना चिल्ला क्यों रहे, ओ भाई उतर भी। अरे भाई ये कौन हो आप यार? अरे चल बता बैग के अंदर क्या है, वरना इधर ही गोली ठोक दूंगा, 36 की 36 गोलियां पिछवाड़े में ठोक दूंगा, बता क्या है बैग के अंदर। अरे भैया छोड़ दो, मुझे टाइम पर हॉस्पिटल पहुंचना है, नहीं तो मेरे पापा नहीं बचेंगे, अगर ये पैसे डॉक्टर को नहीं दिए तो मेरे पापा का इलाज नहीं करेंगे, प्लीज भैया छोड़ दो मुझे, ये गन हटाओ भैया। अरे ये गन तो तभी हटेगी जब तू अपन का पैसा देगा ना, चल बैग उतार नीचे, बोला ना पिछवाड़े में गोलियां ठोक दूंगा। अरे भैया ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ, मैं आपके पैर पड़ता हूँ भैया, प्लीज छोड़ दो मुझे, मेरे पापा मर जाएंगे आप अगर पैसे ले गए तो, भैया ऐसा मत करो आप। अरे सुन ले फालतू अपन का टाइम वेस्ट नहीं करता, और सुन जल्दी से जल्दी बैग उतार, कल में चल जल्दी बैग उठा, साले के पैसे लेकर निकलते हैं वरना किसी ने देख लिया ना, चल अपना माल मिल गया। अरे निकल यार क्या देख रहा है। अरे भैया आप ऐसा मत करो, मेरे पापा मर जाएंगे, भैया प्लीज ऐसा मत करो, मेरे पैसे दे दो भैया। पापा आपके ऑपरेशन के पैसे कहाँ से लाऊं, जो थोड़े बहुत थे वो भी चोर लूट के ले गए। अरे सर जी आप जल्दी पैसे जमा करा दो, वरना ऑपरेशन नहीं होगा, और ऑपरेशन नहीं हुआ तो तुम्हारे पापा जिंदा नहीं बचेंगे। अब क्या करूं मैं, कहां से लाऊं पैसा, किसके पास जाऊं, कौन देगा मुझे पैसा, भिखारी को।
मैं आप सभी को रिकमेंड करना चाहूंगा वन एक्स बैट, जैसे कि आप सभी जानते होंगे कि यहाँ पर क्रिकेट मैच चल रहा है एंड इंडियन इंग्लैंड वर्सेस इंडिया भी चल रहा है, तो यहाँ पर कैसे बहुत सारे गेम्स हैं, फुटबॉल क्रिकेट स्पोर्ट्स एक्सेट्रा, जो भी आपको अच्छा लगता है उस पर बैट लगाओ। एंड अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हो तो आपको सभी को यहाँ पर $100 तक का यहाँ पर फर्स्ट डिपॉजिट पर यहाँ पर मिलने वाला है। एंड मोस्टली यहाँ पर बुक मेकर है गाइज, एंड जाओ जल्दी से कैसे पैसा कमाओ, लिंक एंड प्रोमो कोड मैंने कमेंट में पिन कर दिया है, तो एंड दिखा दो आप एक्टिव स्पोर्ट्समैन हो। पापा सब कुछ लूट गया, सब बर्बाद हो गया, अब मैं भी यहाँ पे जिंदा रह के क्या करूंगा, आप तो चले जाओगे मुझे छोड़ के। अरे ओ ब्रदर, रो कैसे रहा है तू, क्या हो गया, इतने जोर जोर से क्यों चिल्ला रहा है फालतू? अरे भाई रो नहीं तो क्या करूँ यार, मेरे पापा हॉस्पिटल में भर्ती है, अगर उनका ऑपरेशन नहीं कर पाया तो वो जिंदा नहीं बचेंगे, और उनके ऑपरेशन के लिए 1,00,000 रुपए चाहिए। मैंने थोड़े बहुत पैसे किए थे लेकिन मुझे रास्ते में गुंडे मिल गए, उन्होंने मेरे पैसे चोरी करके भाग गए। भाई ये दुनिया भी गरीबी को लूटती है, अब तू बता मैं कहां से पैसे लाऊं, कैसे करवाऊं पापा का ऑपरेशन? अरे भाई मेरी बात सुन, मैं भी गरीब तू भी गरीब, अपन दोनों भाई गरीब, पर हाँ मैं एक आदमी को जानता हूँ, चल उसके पास चलते हैं और वो अपन को पैसा दे सकता है, बस उसको कुछ गिरवी रखना पड़ेगा, तेरा घर तो होगा ना, तो ऐसा करना उसको गिरवी रख दे तभी तेरा पापा बच पाएगा, चल चल जल्दी आ। अरे हाँ भाई मेरा घर है ना, वो गिरवी रख दूंगा यार, पापा के लिए कुछ भी करूंगा, बुलाओ सेठ को। अरे सेठ जी, ओ खेटूराम, अरे खेटूराम जी बाहर निकलो रे, अरे खेटूराम जी सुनते हो, अरे पैसों की आवश्यकता ही है, कोई आया है उसे इमरजेंसी में पैसा चाहिए, थोड़ा जल्दी बाहर आओ। अगर इस सेठ जी ने पैसे दे दिए तो मेरे पापा बच जाएंगे, थैंक यू भाई यार, तू मेरी बहुत हेल्प कर रहा है भाई। अरे नहीं भाई ये तो मेरा कर्तव्य था, एक गरीब दूसरे गरीब की हेल्प नहीं करेगा, सेठ जी ये बंदा है और इसे पैसा चाहिए, तुरंत पैसे दे दो सेठ जी, इसका घर गिरवी रखने के लिए तैयार है और कागज भी साथ में लेके आया है, अगर पैसे नहीं दिए तो इसके पिताजी मर जाएंगे, हॉस्पिटल में ऑपरेशन का इलाज चल रहा है। तो ऐसी बात है तो चल ठीक है बेटा, तेरे को पैसे दे दूंगा, फिर अपने जमीन के कागज दे दे मुझे, और सिर्फ 2 मिनट रुक, मैं भी जाके 1,00,000 रुपए लेके आता हूँ, सिम जल्दी नहीं लौटा ना तो तेरी जमीन और खेत सब छीन लूंगा। भाई आज मेरी जमीन और मेरा घर कुछ तो काम आया यार, वरना मेरे पापा नहीं बच जाते यार, यार इस सेठ जी का भला होगा। सेठ जी हाँ दो पैसे, आपका मैं ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगा सेठ जी। अरे सब चेक कर ले, पूरा 1,00,000 है और 6 महीने का टाइम देता हूँ, वरना तेरा घर और जमीन छीन लूंगा, सुनता है, ब्याह समेत लौटा देना 6 महीने बाद। धन्यवाद सेठ जी, आपके पैसे मैं जल्दी से लौटा दूंगा, अब मैं चलता हूँ, मेरे पापा का ऑपरेशन करवाना जल्दी से। पापा पापा, अरे सिस्टर मैंने पैसे जमा करा दिए, पापा की तबीयत कैसे है? पापा पापा नहीं, आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकते पापा, ऐसा मत करो पापा, मुझे छोड़ के क्यों चले गए, अब मैं क्या करूँगा, किसके सहारे जीऊंगा ये दुनिया। आई एम सॉरी, आप बहुत लेट आए इसीलिए हम आपके पापा को नहीं बचा पाए, आई एम सॉरी सर जी, हमें माफ कर दीजिए क्योंकि ऑपरेशन नहीं कर पाया, बहुत लेट आए, पैसा टाइम पे जमा नहीं कराया। अरे सिस्टर उन गुंडों के चक्कर में मैं लेट हो गया, वरना आज मेरे पापा बच जाते, वो पैसे भी गए, घर भी गया, पापा भी गए, सब गए, मैं बर्बाद हो चुका हूँ, भिखारी बन गया हूँ। आई एम सॉरी, हमें इससे कोई मतलब नहीं है, और जो आपने काउंटर पे पैसे जमा कराए हैं ना वो आपको वापस नहीं मिलेंगे, क्योंकि यहाँ हॉस्पिटल की दवाइयाँ और खर्चे का कंप्लीट हिसाब 1,00,000 हो चुका है, इसीलिए आई एम सॉरी वो पैसे हम वापस नहीं दे सकते, आप यहाँ से चले जाइए, अपने पापा की डेड बॉडी को लेके निकलो यहाँ से। मैं बर्बाद हो गया पूरा, पापा भी गए, पैसे की कोई चिंता नहीं, लेकिन उन गुंडों के चक्कर में मेरे पापा मर गए, मैं छोड़ूंगा नहीं उनको, कुछ भी हो जाए तुमको नहीं छोड़ूंगा। अरे भाई तेरे पापा का ऑपरेशन हो गया? नहीं भाई, पैसे पहुंचाने में बहुत लेट हो गया यार, फिर डॉक्टरों ने ऑपरेशन नहीं किया और पापा मुझे छोड़ के चले गए। भाई तू भी गरीब मैं भी गरीब, भाई ऐसा करते हैं हम दोनों साथ में चलते हैं यार, कहीं काम ढूंढते,
वरना भूखा ही मर जाऊंगा मैं भी यार। अरे हाँ भाई, तू सही बोल रहा है, अपन दोनों कहीं चल के काम ढूंढते। मेरा देख ये टूटे फूटे सरकारी मकान में रहता हूँ इधर। अरे सेठ जी, सेठ जी थोड़ा नीचे आना, काम मिलेगा क्या यहाँ पर? अरे सेठ जी थोड़ा बाहर आओ, ऊपर से क्या देख रहे हो, आपसे काम है, थोड़ा नीचे की तरफ आओ ना। अरे आता हूँ, टेंशन नहीं लेने का, अभी आया। भाई ये सेठ आ रहा है, ये काम दे सकता है हमको। अरे हाँ तू सही बोल रहा है भाई, काम दे सकता है हमें, आते ही काम मांग लेना है। अरे हाँ बोलो, क्या काम है तुम्हें और कहाँ से आए हो? अरे सेठ जी हम दोनों बहुत गरीब है, हमने सब जगह पूछा लेकिन कोई भी हमें काम नहीं दे रहा, अब आप ही हो लास्ट के बचे हुए, अगर आप काम दे दो तो हम आपके घर का सभी काम कर देंगे सेठ जी। क्यों, इसलिए तुमने मुझे नीचे बुलाया? तुम्हारे जैसा को अपनी लेटरिंग भी साफ ना कराऊ, चलो भागे यहाँ से साले, गवार कहीं के गरीब कहीं के आ जाते हैं उठ उठ के, निकलो यहाँ से, मेरा टाइम और खराब किया तुम लोगों ने। अरे गरीब भाई तुझे एक बात बोलू, अपनी जिंदगी जंड हो रखी है और इधर जीना है ना बरमुड़ा में, तो भीख मांग के भी नहीं खा सकते और कोई काम भी नहीं दे सकता, मुझे लगता है कुछ अलग से ही करना पड़ेगा अपन को। भाई इधर हमको हमारा हक कोई नहीं देगा भाई, हमको हमारा हक छीनना पड़ेगा यहाँ से। और हाँ, उन गुंडों की वजह से मेरे पापा मर गए, अब हमको भी यहाँ पर गुंडा ही बन के रहना होगा, तभी हमारा कुछ हो सकता है। हम यहाँ पर ऐसा करेंगे, सबके बड़े बड़े घरों से लूट करेंगे, फिर हम कुछ बन पाएंगे भाई, वरना ऐसे भूखे मर जाएंगे यहाँ पर। हाँ भाई सही बोल रहा है, बरमुड़ा में आतंक मचा देंगे।